बेंटेन। 2005 में शुरू हुई ये एनिमेटेड सीरीज सभी को एक नए तरह के स्पेस एडवेंचर और साइफाई से इंट्रोड्यूस करवाती है। जब टीवी पे जॉनी ब्रावो, पावरपफ गर्ल्स और टॉम एंड जेरी आते थे, उस वक्त कार्टून नेटवर्क ने इसे लाया था और इस कैरेक्टर ने उस वक्त धमाल ही मचा दिया था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार बेन टेनिसन का फुल पोटेंशियल कितना है, वो किस पावर लेवल तक जा सकता है और कितना पावर होल्ड करता है। तो बेंटेन के ओरिजिन पे ना जाते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि बेंटेन का ओरिजिन काफी छोटा है और आप सभी जानते होंगे, पर फिर भी एक शॉर्ट समरी दे देते हैं। बेन एलिमेंट्री स्कूल का एक लड़का था जो समर वेकेशन में अपने एक कजन ग्वेन और अपने ग्रैंडपा मैक्स के साथ टूर पे जाता है और एक जंगल में उसे एक मीटियोर जैसी चीज जो कि असलियत में एक कंटेनर पॉड थी, उसमें उससे ओमनीट्रिक्स मिलती है और वहां से बेंटेन की जर्नी स्टार्ट होती है एज अ हीरो। तो इस शो के शुरुआती रन में ये 2005 से 2008 तक चली थी, जब बेन काफी न्यू बॉय था ओमनीट्रिक्स को लेके। जरा देखो तो, आई एम टोटली हॉट। और स्किल्स भी कम थे, फिर भी इसका फोर आर्म्स इतना कैपेबल था कि वो मायन गॉड ऑफ डेड आपुक को हेड टू हेड ले जाए और उस बैटल में इसने काफी कड़ी टक्कर दे दी थी और नॉकआउट भी कर दिया था। वही इसका वाइल्ड मट अपनी रेस के वल्पी मैंसर से भी लड़ चुका है और डायमंड हेड की इनडिस्ट्रिक्टिबल खासियत और डायमंड क्रिस्टल शूट करने की एक्यूरेसी इसे और भी फ्रेंड्स बनाती है। वही बेंटेन वेंजेंस ऑफ विलियक्स में डायमंड हेड खुद को क्रोमा स्टोन से भी आगे ले गया था। प्रोबेबली सबसे ताकतवर पेट्रोसोपियन, जब इसने विलियक्स को बस कुछ ही देर में मार भगाया था। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त विलियक्स ने कई सारे प्लैनेट्स के चैंपियन को हराकर उनका पावर्स भी रख लिया था, जिसका नजारा हमने देखा था शुरुआत में जब अल्टिमो को हराया था उसने। बट स्टिल डायमंड हेड वाज ऑन ए होल डिफरेंट लीग। वही इसके एक्सेलरेट के तो क्या कहने, एक कैसेलरियन बीइंग होने की वजह से इसका सुपर स्पीड कमाल का था। इवन एक एपिसोड जहां बेन बेसबॉल मैच देखने जाता है, वहां पे ये अपना स्पीड इस हद तक बढ़ा देता है कि टाइम ऑलमोस्ट रुक सा जाता है और वही बॉल का डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होता है। बट रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं, जब बेंटेन को नई ओमनीट्रिक्स मिलती है, या कहूँ ओमनीट्रिक्स खुद को बदलती है बेंटेन एलियन फोर्स में, तब उसके पावर्स पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब उसके पास ह्यूमंगस सॉर्ड, स्वॉर्म फायर, जेट रे और वेवेज जैसे बड़े कैरेक्टर्स थे और एलियन एक्स का तो बियॉन्ड पावर लेवल था, क्या कहने भाई उसके। तो ह्यूमंगस सॉर्ड जो कि एक हाइब्रिड के पावर लेवल को मैच कर सकता था, वही क्रोमा स्टोन इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता था, वही स्वॉर्म फायर डीएनए एलियन के एक वेदर टावर को भी गिरा दिया था, वो भी बस अपने स्ट्रेंथ से। अब डीएनए एलियंस के वेदर टावर कितने बड़े होते हैं तुम्हें पता ही होगा। जेट रे इंटरगैलेक्टिक स्पीड को अचीव कर सकता है, वही वेविक की स्ट्रेंथ इतनी है कि विलगेक्स के उसके साइज के बराबर होने के बावजूद भी उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था। इवन उसे इतनी जोर से फेंका गया था कि वो प्लैनेट से बाहर निकल गया था। अगर हम एलियन एक्स को हटा दें तो स्ट्रेंथ में वेविक का और कोई मुकाबला नहीं है। ओमनीवर्स में उसने वेबिक से मेलवेयर को कड़ी टक्कर दे दी थी, जबकि उस वक्त मेलवेयर ने पूरा गैल्विन 2 प्लेनेट को एब्जॉर्ब कर रखा था और हर एक गैल्वेनिक मेगामॉर्फ को भी। वही एलियन एक्स बनने पे बेन बस एक ही कमांड में टाइम को रिवर्स कर दिया था। सोचिए, उसका एक ही कमांड काफी था टाइम स्ट्रीम को रिवर्स करने के लिए। वही बेन के पास गैल्विन और क्रेस्टासियन जैसे बुद्धिमान स्पीसीज के एलियंस भी है, जिसमें ग्रे मैटर और ब्रेनस्टॉर्म, जिनकी इंटेलिजेंस एज टू एज मानी जाती है, जिसे ब्रेनस्टॉर्म ने गोल्फ खेल के साबित भी कर दिया था। वही इन सब एलियन के अल्टीमेट फॉर्म और भी ज्यादा गजब थे, जैसे कि अल्टीमेट स्वॉर्म फायर के एक्सप्लोजन्स काफी ज्यादा खतरनाक थे, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, अरे भाई इससे डरावना चीज मैंने आज तक नहीं देखा था उस टाइम तक, और अल्टीमेट बिग चिल से उसने बेवेलियन और गैलापागोस को हराया था। अल्टीमेट कैनन बोल्ड ने पेंडोर को उसके आर्मर में वापस डाल दिया था, जबकि वो खुद एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जितना एनर्जी रखता था और उसकी रेडिएशन जानलेवा थी। वही अल्टीमेट वेबिग इतना पावरफुल था कि डिगोन को खींचकर जमीन पर गिरा दे, और आप सबको याद ही होगा कि उन दोनों की साइज में कितना डिफरेंस था। वही बेन 10,000 ओमनीट्रिक्स के तो क्या ही कहने, अल्टीमेट बेन वाले फॉर्म में ये बस अपने थॉट से एलियन को चेंज कर सकता था और खुद के बॉडी को ही ट्रांसफॉर्म कर पाता था
उन एलियंस के पावर के साथ। पर अभी पावर का रियल शोडाउन आना बाकी है। एलियन जैसे फीडबैक इतना पावरफुल था कि गैल्विन 2 इम्पेड मेलवेयर के फुल फोर्स अटैक को बस खड़े खड़े एब्जॉर्ब कर लिया था, जैसे कुछ हो ही ना। ग्रेविटेक की पावर लेवल और ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी इनसेन है। जब विलगेक्स को छुड़ाने के लिए पूरे शिप में ग्रेविटी को बढ़ा दिया था, वही ऑटोमिक्स जो कि प्रोबेबली एलियन एक्स के बाद सबसे पावरफुल एलियन है, ये ऑटोमिक पावर को गजब लेवल पे रखता है। उसका न्यूक्लियर विनर अटैक, जहां ये एनर्जी को चैनलाइज करके अटैक करता है, और इवन शायद ये एलियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी क्रिएट कर सकता है। क्लॉकवर्क उन एलियंस में से है जिनका पावर लेवल साफ लेवल पर ना दिखे, बट ये भी इनसेन चीजें कर चुके हैं, जैसे कि मल्टीवर्स में सभी टाइम स्ट्रीम को एक ही नक्सस पर मर्ज करना और साथ ही सभी टाइम स्ट्रीम को वापस से रीअरेंज भी कर देना। इवन इनके सर की चाबी खो जाने पर इनका पावर अनकंट्रोलेबल हो जाता है और इसके रिजल्ट काफी भयानक भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट, ये बंदा अकेले मल्टीवर्स की बजा सकता है। पर अब आते हैं बेन 10 के सबसे बड़े ट्रंप कार्ड पे, यानी कि एलियन एक्स पर। बीइंग ए सेलेस्टियन सेपियन, एलियन एक्स फोर्ज ऑफ क्रिएशन से बिलोंग करता है, एक एग्जिस्टेंस हमारे यूनिवर्स से भी बाहर का। एलियन एक्स ओमनिपोटेंस के अलग ही लेवल पे है। क्वांटमेनिया का मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन वाला वेपन एनिलार्ग जब डेटोनेट हुआ था, तब भी एलियन एक्स को कुछ नहीं हुआ था। आप सबको मैं ये बता दूं कि एनिलार्ग इतना पावरफुल है कि जहां क्रिएशन नहीं है वो वहां डेटोनेट होने पर क्रिएशन स्टार्ट कर सकता है। वही जहां पर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है वहां डेटोनेट होने पर ये पूरा क्रिएशन को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है और उसके टाइम स्ट्रीम को भी बिखेर सकता है। पर फिर भी एलियन एक्स ने पूरे क्रिएशन को दोबारा बनाया, वो भी एक्सेक्ट कॉस्मिक सिस्टम और टाइम स्ट्रीम के साथ। तो इस बंदे ने सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं बल्कि टाइम को भी क्रिएट किया, और वो भी बस अपने एक थॉट से। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलियन एक्स एक 18th डायमेंशन बीइंग है। एजमट की बात को माने तो कहा जाता है कि मैप ऑफ इन्फिनिटी 17 डायमेंशन में फैला हुआ है, और वो 17 डायमेंशन का फोर्ज ऑफ क्रिएशन यानी एलियन एक्स उससे भी ऊपर का बीइंग है, जो कि काफी इनसेन बात है। मैं जानता हूँ ये फैक्ट तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे बताना था। और एलियन एक्स के क्रिएटर्स ने कहा भी था कि एलियन एक्स बस अपने एक थॉट से यूनिवर्सेस, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सेस को बना सकता है और मिटा सकता है। वही सिर्फ 6 थॉट लगेंगे इसे पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने में। वही जब बेन की गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से लड़ाई हुई थी, तो एलियन एक्स के एक एक स्ट्राइक से प्लैनेट्स तबाह हो रहे थे, और एलियन एक्स ने साबित भी कर दिया था कि वो अपने रेस के बाकी सभी एलियन से सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसने लिटरली गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को काफी बुरी तरह हराया था। वही फ्यूचर में बेन के बायोमेट्रिक्स से वो एलियंस के फ्यूजन बना सकता था, और बेन ने ऐसा बनाया भी, अटोमिक्स और एलियन एक्स को कंबाइंड करके, जो कि आज तक का सबसे पावरफुल फॉर्म था किसी भी एलियन का। सोचिए अटोमिक्स के न्यूक्लियर पावर और एलियन एक्स की गॉडली कैपेबिलिटीज और ओमनिपोटेंस, वो इंसैनिटी से भी परे है। सच में बेन के पावर लेवल काफी काफी ज्यादा है किसी भी नॉर्मल कैरेक्टर से। तो बस ये था आज का वीडियो। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।